ग्रेड 8। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर एम्बिग्विटी ना हो और आपका क्लियर एक आपके पास क्लियर पिक्चर हो कि आपने कैसे सॉल्व करना है। इसको यूज करने के लिए मैंने बताया था कुछ स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। आप बैकग्राउंड नॉलेज कंटेन करते हैं, पुराने जो उनके जो भी उनकी हमारे पास इंडेक्सेस होती हैं वहां से शो कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं कि किस तरह से सारा पहले सोल्यूशन किया गया था। गैस कर सकते हैं कि कैसे बेस करके हम इसको अगर अप्रोच पे पहुंच सकते हैं इसको सॉल्व करने की। या बेस्ट जो होता है स्ट्रेटजी होती है ड्रॉ अ पिक्चर। किसी भी सोल्यूशन को निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है कि आप एक पिक्चर फॉर्मेट में, जैसे मैंने अगर एक स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड डिजाइन करना है, मेरे पास एक ये चीज आई है सॉल्व करने के लिए, मैं एक पेपर के ऊपर उसका एक कुछ प्रिंट आउट्स लूं या कुछ उसको एक करके डिजाइन करूं कि किस तरह से उसको डिजाइन किया जाए। इस एडिट पिक्चर आनी चाहिए, यहाँ नेम हो, रोल नंबर हो, स्टूडेंट की क्लास हो और सारा फर्दर इन्फॉर्मेशन आई हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। क्वेश्चन वन है, व्हाट इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिगिटीज। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज अ क्लियर गोल। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, टू शॉर्ट आंसर्स। आपने इनको नोट करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर एंड यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। सेकंड वन इज नेम सम स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज का नेम बताएं जो एक प्रॉब्लम को डिफाइन करती है, ये बताती है कि इसको क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। वही बात है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस, ड्रॉ अ पिक्चर। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे, यही आपकी डायरी है। थैंक यू।